वीडियो चैप्टर 4 का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की आपस में कन्वर्जन, एस्केप वेलोसिटी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी से ट्रांसफर होने की एग्जाम्पल ये है कि जैसे स्नूकर टेबल की एग्जाम्पल है जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी के साथ डील कर रहे होते हैं फिजिकल बॉडीज की। दो बॉल्स हैं, इसकी एक काइनेटिक एनर्जी है, इसकी एक काइनेटिक एनर्जी है। इनका इनलास्टिक कोलिजन होता है, तो जितनी एनर्जी फर्स्ट बॉल की कम होगी उतनी एनर्जी सेकेंड बॉल की ज़्यादा होगी, यानी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी की एक फॉर्म है, इसी तरह सोलर एनर्जी एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फॉर्म है। अगर हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं जैसे सोलर एनर्जी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसका ये मतलब है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सोलर एनर्जी को हम सोलर पैनल्स के ऊपर डाल के कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं जनरेटर के केस में, वगैरह वगैरह। मैकेनिकल एनर्जी एक किस्म की एनर्जी होती है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद होती है, या तो उनके मोशन की वजह से जब वो मूव करते हैं उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, या फिर अगर वो एक फोर्स फील्ड के अंदर मौजूद हो किसी खास हाइट के ऊपर अगेंस्ट द फोर्स फील्ड, जैसे जमीन की सतह से ऊपर कोई चीज पड़ी हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं एनर्जी हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। इसकी एग्जाम्पल है पेंडुलम, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। पेंडुलम जब एक खास हाइट के ऊपर होता है, ये इसकी हाइट एच वन है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच वन, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे, जीरो है, क्योंकि ये मूव नहीं करा। काइनेटिक एनर्जी वैसे होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, इसको हम वी वन कह देते हैं। वी वन जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है। जब इसको मेन पोजीशन से हटा दिया जाता है, जब इस हाइट पे आएगा तो इसकी वर्टिकल हाइट चेंज हो जाएगी। अब वर्टिकल हाइट इसकी कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू के बराबर है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी से कम है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में एक चेंज आया है जो कि बराबर है एम जी एच वन माइनस एच टू, क्योंकि बाकी की दोनों चीजें एक जितनी हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब बॉल मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जैसे ही उसकी वेलोसिटी की कोई वैल्यू होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी में भी एक चेंज आया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर, अब इसकी वेलोसिटी की कोई वैल्यू है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर के जरिए कैलकुलेट की जा सकती है, और टोटल जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करें। इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह काइनेटिक और पोटेंशियल इंटरकन्वर्ट हो सकती है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हमने देखा था कि अर्थ की सर्फेस पे से अगर मैं कोई चीज उठा के एक हाइट एच पे लेके जाना चाहती हूँ तो मैं माइनस एम जी एच वर्क करना पड़ता है। अगर मैं इतने ऊपर उस चीज को लेके जाना चाहती हूँ कि वो चीज अर्थ की फोर्स फील्ड में से ही निकल जाए, यानी वो हाइट इतनी ज्यादा हो कि वो अर्थ की फोर्स फील्ड में से निकल जाए वो चीज, और उसके ऊपर ग्रेविटी असर करना छोड़ दे, तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वो बराबर होता है, इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाते, वो बराबर होता है, उसको हम कहते हैं यू जी बराबर होता है माइनस जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम, छोटा एम उस चीज का मास है, डिवाइडेड बाय आर जो कि अर्थ का रेडियस है। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, तो अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, तो हम जब
डेरिवेशन सारी करते हैं और हम ये वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वेलोसिटी बराबर है 2gr के। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसको एस्केप वेलोसिटी इसलिए कहते हैं कि अगर हम इस वेलोसिटी से मूव करें अर्थ की सरफेस से, तो हम ये वाला पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में से निकल आते हैं। इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि जब हम एक खास वेलोसिटी से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाती है, क्योंकि वो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ओवरकम कर सके। तो अगर हम वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा करते जाएं और वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसके नतीजे में जो पोटेंशियल एनर्जी आए वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर हो, तो वो फिर ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर नहीं आएगी, उसके ऊपर ग्रेविटी असर नहीं करेगी, वो ग्रेविटी के असर से निकल जाएगी। इसलिए इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जब भी हम वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो दुनिया में कोई भी काम होता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। गाड़ी चलती है तो पेट्रोल से चलती है, ये उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। चूंकि अब हम इंडस्ट्रियलाइज्ड दुनिया में हैं, बहुत ज़्यादा मशीनरी है, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, तो इसलिए एनर्जी सोर्सेज अब दुनिया में कम होते जा रहे हैं। ऑयल, गैस, पेट्रोल, ये सोर्सेज पहले यूज़ होते थे, मगर ये फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनको अगर हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो वापस, वो ऑयल दोबारा से प्रोड्यूस नहीं होता ज़मीन में, वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बरक्स जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, वो दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे पानी जो है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के जरिए मैं पानी से बिजली प्रोड्यूस करूंगी, तो वो पानी दोबारा आ जाएगा, क्योंकि वाटर साइकिल है, दोबारा बारिश होगी, पानी का लेवल दोबारा वापस आ जाएगा, मगर ऑयल वापस दोबारा नहीं आएगा। तो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पहले यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती जा रही हैं। उस मसले को हल करने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ लोग जाते हैं, और रिन्यूएबल सोर्सेस में भी हम ऐसे सोर्सेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो पहले इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए, नॉन कन्वेंशनल हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सोलर एनर्जी है, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और हम उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कैसे सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमास एनर्जी है, जो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं या उनकी अपनी जो डेड बॉडीज होती हैं, उन सब को बायोमास कहते हैं, उनको बर्न करके हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट्स, कागज़ वगैरह, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जियोथर्मल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें ज़मीन के अंदर एक हीट है, क्योंकि ज़मीन के जो सेंटर है, उसका कोर में लावा है, तो उस हीट को हम किसी तरीके से अगर यूज़ कर लें, तो वो भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं।